हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? सो ये रीडिंग है रिगार्डिंग 2023 आप लोग के लिए कैसे रहने वाला है, क्या आप लोग के लिए डिवाइन मैसेजेस आ रहे हैं, क्या वाइब है, सब हम जानने की कोशिश करेंगे विद द हेल्प ऑफ टैरो कार्ड्स एंड आल्सो एंजल मैसेजेस क्या आ रहे हैं आप लोग के लिए, सब हम जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहली चीज़, यहाँ पर आपको फोर पाइल्स दिखाई दे रही हैं, बट एक्चुअली में पिक अ कार्ड है सिर्फ थ्री सेक्शन का। सो आपको स्क्रीन पे थ्री फ्लावर्स दिखेंगे, उन थ्री फ्लावर्स में से आपको सिलेक्ट करना है। ये कार्ड से सिलेक्शन नहीं है, इनसे मैं रीडिंग करूँगी, बस ये वो कार्ड्स हैं। आपको क्या करना है, स्क्रीन पर थ्री फ्लावर्स दिखेंगे, 1 2 3 करके। उन थ्री फ्लावर्स में से आप जो भी फ्लावर से सबसे ज़्यादा कनेक्ट होते हो, वो फ्लावर को आप सिलेक्ट करोगे और वो आपका पाइल बन जाएगा। जस्ट गो विद योर इंट्यूशन, रिलैक्स एंड सिलेक्ट। ट्रस्ट मी, टैरो रीडिंग ऐसे ही काम करती हूँ। जस्ट पिक अ पाइल एंड आपको उसके अकॉर्डिंग राइट मैसेजेस मिल जाते हैं। इफ़ यू वॉन्ट, आप वन एंड टू या दो कॉम्बिनेशन भी सिलेक्ट कर सकते हो, उसके अकॉर्डिंग भी सुन सकते हैं। सब हम जानेंगे 2023 एज पर टैरो रीडिंग पिक अ कार्ड क्या वाइब एंड एनर्जीज आप लोग के लिए आ रही हैं फॉर दिस कमिंग ईयर 2023। ओके, सो आई होप आपने अपने पाइल सिलेक्ट कर लिए। अब हम हमारी रीडिंग वन बाय वन शुरू करेंगे। हेलो पाइल नंबर वन। सो यहाँ पर है आपकी रीडिंग, और भी मैंने कार्ड्स पुल आउट किए हैं आप लोगों के लिए, और मुझे लगेगा इंट्यूटिवली आपके लिए और कार्ड्स पुल आउट करने हैं, सो आई डेफिनेटली विल डू। तब तक के लिए हम वन बाय वन जानते हैं कि 2023 के लिए ऑल ओवर पहले टैरो कार्ड से क्या आप लोग के लिए मैसेजेस आ रहे हैं। ये है आप लोग के लिए पाइल नंबर वन, सिक्स ऑफ स्वॉर्ड्स से इसकी शुरुआत हो रही है। बहुत ही ब्यूटीफुल कार्ड है ये कार्ड। अब कहानी की शुरुआत कर रहा है, दैट यू नो कि आने वाले समय में 2023 में, ध्यान से देखिएगा इमेज को, ये एंजल के विंग्स बने हुए हैं। ओके, ये बोट पर सवार है, चल पड़ी है, आगे सूरज की रोशनी चमक रही है। ये सीन कहीं ना कहीं दिखाता है कि जो भी प्रॉब्लम्स थी, नेगेटिविटीज थी, अब उसको छोड़कर मूव ऑन आगे कर रही है, न्यू बिगनिंग्स में जा रही है, कोई नई चीज़ की शुरुआत करने जा रही है, और उसके लिए आगे एंजल्स वेट भी कर रहे हैं, और एंजल्स ही उसकी बोट चला कर जा रही हैं, जो ऑफकोर्स वो देख नहीं सकती इस वक्त में, समझ नहीं सकती है, लेकिन ऑफकोर्स उसकी जर्नी इस प्रकार से आगे चल रही है। सो ये बहुत ही खूबसूरत कार्ड है कि आपकी नेगेटिविटी का एंड होते हुए, जो भी बुरा वक्त आपका था वो बीत चुका है, पास्ट में जा रहा है, और आप एक न्यू बिगनिंग, न्यू एनर्जी से 2023 को शुरू करना चाहते हो, आगे बढ़ना चाहते हो, जो डेफिनेटली होगा भी। सो ये बहुत ही खूबसूरत एनर्जीज यहाँ पर सबसे पहले कार्ड की आई है। और हम नेक्स्ट कार्ड की ओर अगर चलते हैं, 10 ऑफ कप्स, ब्यूटिफुल। सो ऑफ कोर्स 2023 में कंफर्म मैं आपको एंड में करूँगी और भी कार्ड्स के कॉम्बिनेशन देखे, बट ये खूबसूरत इंडिकेशन आ गया है। इन टर्म्स ऑफ व्हाट, इन टर्म्स ऑफ, अगर आप शादी के लिए देख रहे हैं तो शादी होती हुई दिख रही है, अगर आप लाइफ में बेबी कंसीविंग के लिए कोशिश कर रहे हैं तो बेबी के योग बनते हुए दिख रहे हैं। सो ऑल ओवर लाइफ में बहुत ही खूबसूरत हैप्पीनेस, जॉय और पीस आता हुआ दिख रहा है। सो इट इज़ ऑफ कोर्स वेरी वेरी ब्यूटीफुल एनर्जीज आप लोगों के लिए, अच्छी ब्लेसिंग, सुख आता हुआ आपके जीवन में दिखाई पड़ रहा है 2023 में। मैं कहूँगी एक इमोशनल कंटेंटमेंट है, एक सुख है, एक शांति है, एक पारिवारिक सुख भी आपको देखने मिलेगा 2023 में। सो अभी तक हमें फ्रेश एनर्जी, न्यू एनर्जीज के कार्ड्स दिख रहे हैं। सिक्स ऑफ स्टाफ्स, ओके, तो ये सिक्स ऑफ स्वॉर्ड्स कहा जाता है, पाइल नंबर वन। आई सी दैट काफ़ी अच्छे अच्छे कार्ड्स आप लोग के लिए आ रहे हैं। द सिक्स ऑफ स्टाफ्स कहीं ना कहीं इंडिकेट करता है दैट यू नो, हाँ, एक ऐसी एनर्जी कि कोई ना कोई चीज़ आप जीत कर आए हो, आपने अट्रैक्ट की है, आपको ये भरोसा है कि आप वो चीज़ मैनिफेस्ट करोगे, एंड प्रमोशन के भी बड़े अच्छे योग बन रहे हैं आपके जीवन में, एक अच्छा प्रमोशन, सक्सेस, रिकॉग्निशन। आई नो ये रीडिंग आप लोग को अभी तक अनबिलीवेबल लग सकती है, बट आई एम शॉक टू, बट बाय गॉड्स ग्रेस कार्ड्स अच्छे इंडिकेशंस दे रहे हैं। आगे के हम सारे कार्ड्स कॉम्बिनेशन देखेंगे, बट दिस इज़ अ ब्यूटीफुल एनर्जीज इन टर्म्स ऑफ प्रमोशन, गुड लक, मैरिज, सक्सेस, जॉब मिलना, करियर, हर रूप में 2023 एक अच्छी प्रॉमिसिंग दे रहा है। अब ना मुझे एक्साइटमेंट हो रही है आगे के कार्ड्स देखने की, तो पहले मैं एक साथ दोनों कार्ड्स पुल आउट कर लूँ, फिर मैं आगे की कहानी बता सकती हूँ। ओ माय गॉड, ओके, सो यहाँ पर ही आ चुका है द 10 ऑफ कॉइन्स। ओके, तो यहाँ पर भी जश्न के कार्ड्स हैं, हैप्पीनेस के कार्ड्स हैं, गुड न्यूज़ के कार्ड्स। ओ माई गॉड, पाइल नंबर वन, आई क्लेम इट, या
ब्लेसिंग्स ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखना, शेयर करना, लाइक करना, बिकॉज ये रीडिंग अभी तक के जो मैंने 5 टैरो कार्ड्स आप लोग के लिए पुल आउट किए हैं, दीज आर वेरी पावरफुल कॉम्बिनेशन। एंड ये मेरे कहने से नहीं होगा, आपको भी उस पर भरोसा रखना होगा और आपकी आत्मा को ये पहले से फील हो रहा होगा कि भैया 2023 यार मेरा साल है, 2023 में कुछ तो अच्छा होगा, 2023 में कुछ तो नया होने वाला है। ये आपकी आत्मा या आपका इंट्यूशन भी आपको इंडिकेशन 100% दे रहा होगा, 100%। वो बात अलग है आप उसको इग्नोर कर रहे हो, मान नहीं रहे हो, सुन नहीं रहे हो, बट ये कार्ड्स अगर आए हैं आप लोगों के लिए तो ये बहुत ही खूबसूरत इंडिकेशन दे रहे हैं, बहुत ही खूबसूरत, ट्रस्ट मी। टेन ऑफ कॉइन्स एक ऐसा कार्ड है, ये कार्ड है अगेन द सेलिब्रेशन का। जैसे हमारा टेन ऑफ कप्स है ना, दोनों 10 नंबर के कार्ड्स है, जैसा ये कार्ड है वैसा ये कार्ड माना जाता है, बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही पावरफुल। ओके, सो अभी तक इट्स शोइंग वेरी गुड एनर्जीज, ट्रैवल एब्रॉड जाने के लिए तैयार हो जाइए। 7 ऑफ यू नो चैरियट के कार्ड्स आए हैं, ये ट्रैवल के कार्ड है, एब्रॉड जाने के कार्ड हैं। सो ये काफ़ी अच्छी कॉम्बिनेशन आप लोग के लिए बनकर आया है। देखो अभी तक हमें यहाँ से न्यू जर्नी शुरू हुई, मेरे पास शब्द कम पड़ रहे बोलने के लिए। सो अब जो मैंने और कार्ड्स आप लोग के लिए पुल आउट किए, पहले हम वो वन बाय वन जानते हैं, फिर हम उसके बाद में यू नो कंक्लूड लास्ट में करेंगे रीडिंग के क्या मैसेजेस आ रहे हैं। ओह माय गॉड, हैप्पी फैमिली। तो ये टेन ऑफ कप्स और ये जो टेन ऑफ कॉइन्स आए थे, फैमिली गेट टुगेदर हो रहा है, फैमिली टाइम हो रहा है। देखो बच्चे की जो तैयारी कर रहे हैं, बच्चा तो बहुत स्ट्रांग योग हो गया, आने वाला है। शादी की जो लोग तैयारी कर रहे हो, शादी भी होने वाली है। फैमिली लाइफ अच्छी चलती हुई दिख रही है, तो बहुत ही अच्छे कॉम्बिनेशन चल रहे। सो दिस इज़ अ वेरी वेरी गुड कार्ड। ओके, ये एक अच्छी एनर्जीज मानी जाएंगी अभी तक ये जो आया है। अब ओके, ये एक कार्ड आप लोग के लिए है जो है कॉन्ट्रैक्ट। अब ये मैं उन लोग के लिए कहना चाहूँगी, जितने भी लोग कोई लोन लेना चाहते हैं, कोई लीगल कामों में फंसे पड़े हैं, उनमें भी उनको राहत मिलेगी, अच्छी गाइडेंस उनको मिल जाएगी, अच्छी सपोर्ट उनको मिल जाएगी, एंड एक ब्लेसिंग आपकी राह में ज़रूर आ जाएगी। एक चीज़ का ध्यान रखना, देखो अगर आपको लग रहा है आपकी मैरिज में प्रॉब्लम चल रही है, आप एक वर्ज पे हो डाइवोर्स फाइल करने के इश्यूज़ के, तो मैं कहूँगी थोड़ा वक्त और समय देना। बहुत हाई चांसेस है कि आप लोग के मैरिज इशू सॉल्व हो सकते हैं 2023 में, बिकॉज ये एक ऐसा कार्ड है कि कोर्ट कचहरी का मामला इंडिकेट करता है, बट ये रिजॉल्व हो सकता है बिकॉज हैप्पी कार्ड्स बहुत अच्छे आए हैं। हाँ, ये बात अब अलग है कि आप पर्पसफुली आप उस मैरिज को एंड करके किसी नए रिश्ते में जाने की यू नो एक वर्ज पर हो, तो बात अलग है, तो वो आपकी पर्सनल स्टोरी होगी, वो मैं अब एग्जैक्टली नहीं बता सकती हूँ। यहाँ से जो जो मुझे आप लोग के लिए मैसेजेस आ रहे हैं, मैं वो आप लोग को बताती जा रही हूँ। अभी कुछ पाइल नंबर 1 वालों के लिए ना, ये मूव ऑन का फेस ज़रूर दिख रहा है, बिकॉज ये जो 6 ऑफ स्वॉर्ड्स अब आए थे, अब हमें कुछ अंदर की रियलिटी देखने मिलेगी। अभी तक तो सब हमें स्वीट एंड नाइस कार्ड्स आए हैं बाय गॉड ग्रेस, व्हिच इज़ नाइस एंड गुड, बट यहाँ पर देखो ये कॉन्ट्रैक्ट और ये अटैचमेंट के कार्ड्स, हम ये 3 कार्ड्स बताते हैं कि कुछ लोगों के लिए, पाइल नंबर 1 जिन्होंने सेलेक्ट किया, उनके लिए कुछ लाइफ के बिग चेंजेस आएंगे 2023 में। टॉक्सिक रिलेशनशिप्स डेफिनेटली एंड होंगे। देखो मुझे इस साल आप लोग के लिए ऐसा लग रहा है जहाँ पे टॉक्सिक रिलेशनशिप्स एंड होने वाले हैं, एंड आप लोग सोल पर्पस से जीने वाले हो, जो आपको खुशी देगा आप वो करने वाले हो सिंपली। एंड ये मैं एनर्जीज और कार्ड्स को देख के 100% श्योरिटी से कह सकती हूँ कि आप लोग इस फेज में चल रहे हो। आगे आपकी मर्जी, आप कितना कनेक्ट होते हो कमेंट बॉक्स में लिखना, बट वट आई फील इज़ दैट कि अब ऐसे फेज पे आ चुके हो कि भैया हो गया जितना दूसरों के लिए जीना था, करना था, अब हम अपनी सोल पर्पस से जिएंगे, अपनी खुशी से जिएंगे, एंड हमें जीना है लाइफ, बस सर्वाइव नहीं करना है। सो आप क्या करोगे, जिधर आपका मन नहीं लग रहा, टॉक्सिक रिलेशनशिप हो रही, बड़ी कोशिशें कर ली, वर्कआउट नहीं हो रहा, उसको एंड करोगे, न्यू रिलेशनशिप या न्यू बिगिनिंग या फैमिली के साथ वापस से टाइम स्पेंड करोगे, तो इस टाइप की एनर्जीज अब मेरे को बनती हुई आप लोग के लिए दिख रही हैं, जो आपके लिए हेल्दी और पॉजिटिव भी माना जाएगा। ओके, नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स के भी यहाँ पर कार्ड्स है जो पॉजिटिव इंडिकेट कर रहा है। ट्रैवल के देखो बहुत हाई चांसेस हैं, मिड ईयर के बाद में भी हो सकते हैं, ये आपकी सिचुएशन के अकॉर्डिंगली पॉसिबल है। यहाँ पर ये कार्ड है द क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, अ वेरी पावरफुल कार्ड्स एंड कॉम्बिनेशन। ये जो दो कार्ड्स आए ये इंडिकेट कर रहे हैं पावरफुल पर्सन आप बनने वाले हो, यू नो अपनी लाइफ की जो भी आपकी जर्नी रही है उस जर्नी से हटकर एक पावरफुल पोजिशन में आप जाने वाले हो, एंड बोल्ड एंड स्ट्रांग होने वाले हो, नो डाउट। यहाँ पर अब आप लोग के लिए आए हैं यू नो दी मैसेजेस फ्रॉम कृष्णा या डिवाइन मैसेजेस, एंजल मैसेजेस। सबसे पहला कार्ड है शेयर योर बाउंटीज़। यस, आपको यू नो इस वी इस साल में चैरिटी ज़रूर करनी है। अगर आपने मेरी न्यूमरोलॉजी की सीरीज़ देखी होगी 1 to 9 बर्थ नंबर के लिए, ज़रूर उसमें मैंने बहुत डीपली बताया कि 2023 में चैरिटी कितनी ज़रूरी, तो वीडियो देख लेना आपको समझ आ जाएगा।
प्रेजेंस ऑफ माइंड, आई थिंक थिंक एंड एक्ट वाइजली. आई थिंक ये जो प्रेजेंस ऑफ माइंड का जो एक कार्ड आया ना, या बाय डिफॉल्ट प्रेजेंस ऑफ माइंड आपका रहने ही वाला है. सी, मेरे को पाइल नंबर 1 वालों के लिए रीडिंग बहुत पॉजिटिव लगी है, बहुत अच्छी लगी है. ज़रूर लिखना है क्लेम इट या ब्लेसिंग्स या थैंक यू यूनिवर्स. एंड अगर आपको वो रीडिंग फील हुई है तो मुझे जहाँ तक लगेगा बहुत हाई चांसेस है कि पाइल नंबर 1 वालों को जो भी अपने फ्लावर से लेके उसके अकॉर्डिंगली यू विल डेफिनेटली कनेक्ट टू दिस वाइब. ओके, अब यहाँ पर टाइम टू रिलैक्स भी है. अभी रिलैक्स क्या है यहाँ पर, ये रिलैक्स है नो, रिलैक्स टू नॉट हरी, यू आर वॉच्ड ओवर एंड विल बी लुक्ड आफ्टर. ये कार्ड अभी क्या मैसेज दे रहा है, बिकॉज देखो हमें 3 फैमिली कार्ड आए हैं बाय द वे. ओके, पाइल नंबर 1, ये कोई नॉर्मल कोइंसिडेंस नहीं है, दिस हैज़ अ स्पेशल मैसेज. ओके, सो ये एक था पाइल नंबर 1 एंड ये भी था, सॉरी कार्ड नंबर 1. ये 3 फैमिली कार्ड आए हैं. ओके, एंड यहाँ पर भी टाइम टू रिलैक्स, इसका मतलब क्या है कि 2023 में काम करियर भी आपका अच्छा चलने वाला है, एंड आप अपनी फैमिली के साथ घूमने या रिलैक्सेशन के लिए भी कहीं जा सकते हो, उसके लिए भी बड़ा अच्छा और शुभ माना जाएगा. सो पाइल नंबर 1 के लिए ऑल ओवर जो कार्ड्स के कॉम्बिनेशन बन के आए हैं काफ़ी खूबसूरत है. यहाँ पर आपके कोई एजुकेशन है, एग्जाम्स है, मतलब गुड लक फेवर ज़रूर करेगा. फैमिली सपोर्ट भी रहने वाली है, फाउंडेशन अच्छी रहेगी. कोई प्रॉपर्टी परचेज करना चाहते हो उसमें भी आपको अच्छे रिजल्ट्स देखने मिलेंगे. सो ऑल ओवर पाइल नंबर 1 ब्यूटीफुल एनर्जीज. मुझे बड़ी पसंद आई है आप लोग के लिए रीडिंग. आई होप आप इससे कनेक्ट एंड रेजोनेट हो पाए हो, एंड मेरी ये प्रार्थना है कि आप इसी तरह यू नो मुस्कुराते रहें, ज़िंदगी के हर जंग में, तकलीफ़ों में जीतते रहें, और यू नो हर चैलेंजेस को बहुत ही खूबसूरती से जीत कर आगे बढ़ें आप. सो आई थिंक ये आपके लिए थीम कार्ड होना चाहिए. यू नो दिस इज़ सच अ ब्यूटिफुल एनर्जी, ये एक विक्ट्री की एनर्जी है. सो ये 2023 में आपके साथ रहे. विशिंग यू ऑल द गुड लक एंड ऑल द पॉजिटिविटी. थैंक यू सो मच. हेलो पाइल नंबर 2. सो यस, देख लेते हैं क्या मैसेजेस आ रहे हैं आपके लिए फॉर 2023 विद द हेल्प ऑफ टैरो कार्ड्स. ओके, सो यहाँ पर जो आपके लिए सबसे पहला कार्ड आया है, दिस इज़ यू नो द 9 ऑफ कॉइन्स के कार्ड्स हैं. 2023 में बहुत हाई चांसेस हैं कि जितने भी आपने मेहनत की है, हार्डवर्क किया है, उसका बहुत ही खूबसूरत रिजल्ट आपको मिलने वाला है. आपको यू नो आप अगर प्रमोशन का वेट करो तो प्रमोशन के बड़े हाई चांसेस हैं. कोई ना कोई ऐसी चीज़ जो आपके हार्डवर्क का आपको अच्छा रिवॉर्ड मिलेगा, अच्छे रिजल्ट्स आपको मिलेंगे, अच्छी जॉब, अच्छी पोजीशन, अच्छा करियर सक्सेस, अच्छा मनी गेन, गुड लक आता हुआ दिख रहा है ज़रूर. और ना जीवन में आपको बहुत सारी चीज़ों की क्लैरिटी भी मिलेगी. आपको ये लगेगा लाइफ में आपने बहुत कुछ खोया, बहुत कॉम्प्रोमाइज़ किए यहाँ तक आने के लिए, बट इट वॉज़ ऑल वर्थ इट. जो हुआ अच्छा ही हुआ, ये रियलाइजेशन भी आएगी. अब हम आगे बढ़ते हैं. ओके, 7 ऑफ कप्स. 2023 में देखिए कुछ जीवन की ऐसी परिस्थितियाँ होंगी जहाँ पर आपको ये लगेगा कि पता नहीं मेरे से शायद कोई चीज़ों को लेकर मैं कन्फ्यूज्ड हूँ या सही डिसीजन नहीं ले पा रहा. और ये जो पोजीशन आएगी आफ्टर जुलाई अगस्त के बाद में कोई ऐसी डिसीजन मेकिंग आपके ऊपर आएगी जहाँ पे आपको डिसाइड करना होगा कि भाई क्या चूज़ करें, समझ में नहीं आ पा रहा है. तो यहाँ थोड़ा सब्र से और पेशेंस से डिसीजन लीजिएगा तो अच्छा माना जाएगा. अब हम आगे के सारे कार्ड्स रिवील कर लेते हैं तो हमें एक क्लैरिटी आ जाए कि चल क्या रहा है. ओके, 2023 में यहाँ पर आपको देख के लगेगा भाई ये क्या लिखा हुआ है, नो मौत लिखी हुई है, इसका क्या मतलब है. नो डोंट वरी, ये कार्ड कहीं ना कहीं इंडिकेट करता है एक ऐसी एनर्जी को जहाँ पर 2023 में मिड ईयर के बाद में आपकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन आता हुआ दिख रहा है फॉर गुड. देखो ईयर एंड में ये भी जो कार्ड है ये दिखाता है कि थोड़ा सा आपको ईयर एंड में ट्रांसफॉर्मेशन से गुजरना पड़ सकता है, कुछ एंडिंग्स हो रही हैं. और ये जो एंडिंग्स होंगी ना ये ऐसी एंडिंग होंगी कि आपको रियलाइज़ होगा कि भाई मुझे टॉक्सिक रिलेशनशिप एंड करना है, मुझे पर्सन के साथ रिश्ता ख़त्म करना है, हमारा अब ये नहीं हो सकता लाइफ में, या कोई भी एक ऐसी सिचुएशन जहाँ पे आपको थोड़ा सा लोनलीनेस फील होगा फॉर 1 to 2 months. तो ये ट्रांसफॉर्मेशन से हिचकिचाइएगा नहीं, हो सकता है कोई चीज़ें आपके हिसाब से ना चले ये माना जाएगा, बट देखो न्यू बिगनिंग आ रही है. यहाँ पर भी देखो डिवाइन लाइट आ रही है, यहाँ पर भी डिवाइन लाइट आ रही है. तो आत्मा समझ पा रही है कि भैया ये ट्रांसफॉर्मेशन से जो हम गुजर रही है हमारे अच्छे के लिए हो रहा है, और यहाँ से हमें अच्छे रिजल्ट्स आगे देखने मिलेंगे. तो ये भरोसा ज़रूर रखना ऊपर वाले पे, ये आपका डिवाइन टाइमिंग होगा, क्योंकि ये दोनों के दोनों डेस्टिनी कार्ड्स हैं.
डेस्टिनी कार्ड्स का मतलब क्या होता है, ये अगले पिछले कर्मों के फल होंगे, और डेस्टिनी कार्ड मतलब ये आप नहीं करोगे, आपको लगता है ना भाई सब कुछ तो सही चल रहा था मेरी लाइफ में, सडनली क्या हो गया, ना हमने नेगेटिव सोचा ना हमने नेगेटिव मैनिफेस्ट किया, भाई ये क्या हो गया लाइफ में। सो तब हम कहते हैं ना कि अच्छी बुरी कई बार कुछ चीज़ें हमारे हाथ में, बट पूरी ज़िंदगी हमारे हाथ में नहीं है, कुछ चीज़ें ऊपर वाले के भी हाथ में, कब क्या होना है, किसने ज़िंदगी में रहना है, क्या चीज़ें वर्कआउट नहीं, तो कुछ थोड़ा सा यू नो एक ध्यान देने वाली बात होगी। ध्यान दीजिएगा यहाँ के पीछे ना इन हार्ड रोडों पे फूल नहीं है, लेकिन आगे जैसे जैसे वो बढ़ रहा आगे फूल हैं, ये न्यू बिगनिंग को दर्शाता है, न्यू एनर्जीज को दिखाता है, न्यू लाइफ को दर्शाता है। सो इन चीज़ों का विश्वास और भरोसा ये आप तभी कर पाओगे यू नो जब आप डिवाइन या भगवान पे भरोसा रखोगे, तब इन चीज़ों को समझ पाएंगे। ये है द शाह ऑफ कप्स, ये दिखाता है दैट यू नो मिड ईयर की मैं बात कर रही हूँ, ईयर के मिड ईयर के बाद की मैं बात कर रही हूँ। अब यू नो क्या होगा, लमसम आप समझ लीजिए अराउंड सितंबर, जुलाई, अगस्त थोड़े से स्ट्रेसफुल आपके लिए माने जाएंगे। उसके बाद में धीरे धीरे यहाँ पर ईयर एंड जो होगा वो फिर भी आपके लिए धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट बेहतर होता चला जाएगा, फ्लो आएगा लाइफ में, इम्पोर्टेंस आएगी, पॉजिटिविटी आएगी, वापस से इम्प्रूवमेंट आपको लाइफ में देखने मिलेगी, सो अच्छा माना जाएगा। सो देखो साल की शुरुआत खूबसूरत है, मिड में थोड़ी कन्फ्यूजन है, फिर आपके मिड के बाद में थोड़ा सा स्ट्रेस या नेगेटिविटी या लो आपको फील होगा लाइफ में, देन फिर से आप पिकअप कर लोगे। आगे के और मैसेजेस भी हम देख लेते हैं क्या आ रहे हैं। ओके, बहुत बिजी रहने वाले हैं 2023 में, काम के हिसाब से बहुत ही बढ़िया कहा जाए। देखो पैसा, करियर, जॉब, बिजनेस अच्छा चलने वाला है, कॉन्फिडेंस भी रहोगे, पॉजिटिव भी रहने वाले हो, सो ऑल ओवर ये कॉम्बिनेशन मुझे आप लोग के लिए स्ट्रॉन्ग और अच्छे दिखाई पड़ रहे हैं। और भी हमारे मैसेजेस हैं उससे हम देख लेते हैं। ओके, पेशेंस 2023 में सब्र और पेशेंस रखना बहुत बहुत ज़रूरी आ रहा है आप लोगों के लिए, बहुत ज़रूरी होगा। जैसे मैंने कहा ना ये जो फेज़ आएगा आपकी लाइफ में, इसमें सब्र, पेशेंस, डिवाइन स्पिरिचुअलिटी आपको बहुत ग्राउंडेड रखेगी और आपके अपने आप की बड़ी मदद कर पाएंगे इसमें। सो पेशेंस रखिएगा और सही वक्त का इंतज़ार कीजिएगा। कहते हैं ना हर चीज़ जीवन में कहीं ना कहीं हम उसे माने या ना माने, बट कहीं ना कहीं हर चीज़ का डिवाइन टाइमिंग ज़रूर लिखा हुआ है, तो उन चीज़ों से आप इसे अंडरस्टैंड करोगे और गो थ्रू करेंगे। आगे यहाँ पर आया द हीलर। देखो कहते हैं ना कि भगवान अगर प्रॉब्लम देता है तो सोल्यूशन या हेल्प भी भेजता है ज़रूर, तो ये कहीं ना कहीं कार्ड एंजल्स का आपके लिए इसीलिए आया है कि आपको कह रहे हैं कि अगर आप डिफ़िकल्ट टाइम से गुजरोगे ना तो हीलर आएंगे आपके लिए, हीलर का रूप लेकर आएंगे, जैसे कि आपके अपने हो सकते हैं, आपको डिवाइन मैसेजेस मिल सकते हैं, आपको कोई बुक्स मिल जाएंगी, आपको कहीं से मैसेजेस मिल जाएंगे और आपकी मदद हो जाएगी। समवेयर आप उस नेगेटिव टाइम से हील ज़रूर हो जाओगे। यहाँ पर भी जो इंसान कर रहा है क्या कर रहा है, दुआ मांग रहा है, प्रार्थना कर रहा है स्ट्रेंथ की, पावर की, ब्लेसिंग्स की, और उसे वो चीज़ मिलेगी। वो यहाँ अकेले बैठकर प्रार्थना कर रहा है, वो दुनिया को जाकर नहीं बता रहा अपना दुख कि मेरे साथ ऐसा हो गया, ये हो गया, तो ये चीज़ों में आपकी मदद हो जाएगी। एंजल ऑफ स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ भी आपकी रहेगी, आपकी स्ट्रेंथ भी बढ़ने वाली है, और ऑल ओवर देखो कहीं ना कहीं लगता है मिक्स ईयर होगा आप लोग के लिए। मिड के आसपास में तनाव स्ट्रेस है और उसके हिसाब से आपको डिवाइन एंजल मैसेजेस भी दे रहे हैं कि वो टाइम पे स्ट्रेंथ रखना, पेशेंस रखना, हीलिंग रखना, डिवाइन स्ट्रेंथ रखना अच्छा माना जा रहा है। अब आगे और भी हम मैसेजेस देख लेते हैं। सो सॉरी मेरे स्टैंड पे हाथ लग जाता है और वो हिल जाता है। ट्रांसफॉर्मेशन। ओके, सो जो मैं हम बात कर रहे थे यहाँ पे, जो हमारा यू नो बहुत ही ड्रामेटिक नाम का जो कार्ड आया था, ये जो मौत, सो ये मौत मतलब किसी पर्सन की डेथ नहीं होती, इट मींस दैट यू नो एंडिंग ऑफ सच इमोशंस या नेगेटिविटी होता है। ये ट्रांसफॉर्मेशन यहाँ पर भी आ गया, ठीक है। तो एक्चुअली ये जो कार्ड होते हैं इन दोनों का सेम मीनिंग है। देखो ब्रिंग अबाउट द चेंज दैट कम्स विद डिस्ट्रक्शन एंड सो द सीड्स नाउ फॉर द फ्यूचर। यहाँ पर भी आपको सेम चीज़ कह रहे हैं कि जो हो गया ठीक है, अब नए बीज आप बोइए। अब ये वक्त आपके लिए ऐसा होगा कि जो हो गया सो हो गया, अब यहाँ से आपको आगे कहाँ जाना है, क्या करना है लाइफ में। प्रेजेंस ऑफ माइंड, बहुत ही दिमाग से अलर्टनेस से आप चलिएगा, सो अच्छा माना जाएगा, पॉजिटिविटी आपकी लाइफ में आएगी। शेयर योर बाउंड्रीज, चैरिटी, चैरिटी, चैरिटी। मैंने पाइल नंबर 1 में भी ये कार्ड आया था, पाइल नंबर 2 में भी ये दो कार्ड रिपीट हुए हैं। ये कॉम्बिनेशन ज़रूर इंडिकेट करता है ऐसी चीज़ों को जहाँ पर आपको 2023 में चैरिटी, स्पिरिचुअलिटी, एनिमल्स की सेवा, इंसानों की सेवा,
दान पुण्य जरूर करना चाहिए, आप लोग के लिए बहुत अच्छा माना जाएगा, आपके कर्म जो भी हैं अच्छे बुरे वो कटेंगे और आपको शांति राहत सिचुएशंस में मिलेगी। तो ये तो कुछ इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स आप लोग के लिए हो गए। बट देखो, साल की शुरुआत के 4-5 महीने बड़े अच्छे हैं, मिड में तनाव है, एंड में फिर से आप स्टेबल हो जाओगे, अच्छे हो जाओगे, बट मिड में जो तनाव स्ट्रेस आएगा ना आपके जीवन में, वो ऑल ओवर ऐसा तनाव होगा जिसमें आपको एंजल्स या डिवाइन हेल्प आपको बड़ी मिलेगी, बहुत सपोर्ट मिलेगी। करियर वाइज रीडिंग बहुत अच्छी है, रिलेशनशिप्स इमोशनली आपको स्ट्रांग रहना होगा, स्ट्रेंथ बना के रखनी होगी 2023 में। एजुकेशन के हिसाब से भी अच्छा है, कोई भी डिसीजन लोगे किसी फैमिली सपोर्ट से लीजिएगा, स्पेशली इन मिड ईयर में, मिड ईयर में ध्यान देना। बाकी ये साल आप लोग के लिए अच्छा है पैसे के हिसाब से, मैंने पहले भी कहा है। तो ये कुछ वाइब एंड एनर्जीज मुझे टैरो कार्ड्स के रूप से आप लोग के लिए दिख रही है। ओके, आई होप इससे आप कनेक्ट एंड रेजोनेट हो पाए हैं। इफ सो तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। थैंक यू सो मच। हेलो पाइल नंबर 3। सो यहाँ पर हम जान लेते हैं 2023 के लिए आप लोग के लिए क्या क्या कार्ड्स आए हैं, क्या कॉम्बिनेशन हैं, क्या मैसेजेस आ रहे हैं। सबसे पहली चीज़ जो आपके लिए सबसे पहला कार्ड आया, देख लेते हैं। ओके, यहाँ पर जो आप लोग के लिए सबसे पहला कार्ड आया, द 9 of Coins के कार्ड्स आए हैं। ये कार्ड अभी पाइल नंबर 2 में भी रिपीट हुआ था एंड सेम पोजिशन पे था। सो पाइल नंबर 2 वालों के लिए भी साल की शुरुआत काफ़ी पॉजिटिव रूप से होती हुई दिख रही है, न्यू ब्लेसिंग्स के साथ में होती हुई दिख रही है। ये वो कहते हैं ना कि आप अपनी झोली फैलाएंगे, ना लड़की ने अपनी झोली फैलाई हुई है, उसके पैसे की बरसात हो रही है। सो करियर ग्रोथ, हार्ड वर्क के रिजल्ट्स, पॉजिटिविटी आपको डेफिनेटली देखने मिलेगी 2023 में। उसके अकॉर्डिंगली करियर वाइज मुझे आप लोग के लिए अच्छी ग्रोथ दिखाई दे रही है, चाहे ये प्रमोशन हो, पैसा हो, करियर सक्सेस हो, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हो, सब रूपों में आपको एक अच्छी सक्सेस देखने मिलेगी। आपको लगेगा भी चलो मेरी इतनी हार्डवर्क का मेरे को अच्छा रिजल्ट मिल रहा है। यहाँ पर अगेन कुछ न्यू शुरुआत करते हुए आप दिख रहे हैं, कोई न्यू आइडियाज़ अगर आपको 2023 में बैक टू बैक आ रहे हैं कि मुझे कुछ नया बिजनेस स्टार्टअप करना है, मुझे वो जॉब में ट्राई करना चाहिए, मुझे उस इंसान से बात करनी चाहिए, शायद मेरे काम बन जाएंगे, या मुझे कुछ नया सीखना चाहिए अपने जीवन में जिससे कि मेरे स्किल्स बढ़े और मेरा पैसा बढ़ेगा, ज़रूर उस प्रकार की चीज़ें आप करें, आप लोग के लिए अच्छा माना जाएगा। जितने भी लोग सिंगल हैं, आपकी लाइफ में किसी न्यू पर्सन की एंट्री हो सकती है 2023 में। लव रिलेशनशिप्स में हार्मनी आ सकती है, लव लाइफ आप लोग के लिए अच्छी होती हुई दिख रही है। साल की शुरुआत के 3-4 महीने आप लोग के लिए शुभ और पॉजिटिव होते हुए ज़रूर दिखाई पड़ रहे हैं और अच्छी एनर्जीज देखी जाएगी। यहाँ पर जैसे हम आगे बढ़ते हैं, अब यहाँ पर जो कार्ड आए, ये 5 of Cups के कार्ड आए हैं। ये कहीं ना कहीं एक ऐसी एनर्जी को इंडिकेट करता है कि जहाँ पर मिड मंथ के अराउंड में थोड़ी सी उदासी और परेशानी आपको देखनी पड़ सकती है, जहाँ पर आप हर्ट हो जाओगे, किसी ने आपका दिल दुखाया होगा, किसी ने आपने उम्मीद की होगी कि कोई पर्सन आपके साथ ऐसा तो नहीं कर सकता, आपने नहीं सोचा होगा, या आपने बड़ी एक्सपेक्टेशन रखी होंगी बट वैसे रिजल्ट्स आपको नहीं मिले। तो ये कहीं ना कहीं एक आप हर्ट हो जाओगे कि कोई आपकी उम्मीदों को सही तरीके से निभा नहीं पाएगा, कहीं ना कहीं ये दिखता है। तो ये कुछ समय की उदासी मिड ईयर में आ सकती है आपके जीवन में इमोशनली। इस वक्त में अपने जीवन में कोशिश कीजिएगा कि जहाँ कहीं से भी कुछ नेगेटिव आपको हो रहा है, आपने कोशिश करनी है कुछ अच्छे चीज़ों पे ध्यान देना है। जो आपकी लाइफ में पॉजिटिव चल रहा है उस पे ध्यान दीजिएगा, जो चीज़ आपकी लाइफ में सही वर्कआउट होती है उसका शुक्राना कीजिएगा, उसका ग्रैटिट्यूड मन में रखिएगा तो अच्छा माना जाएगा। यहाँ पे ग्रैटिट्यूड करना बहुत ज़रूरी हो जाएगा, बट ये टेम्पररी फेज़ होगा, फिर ठीक हो जाएगा। यहाँ पर फिर से आप पावरफुल बनते हुए दिख रहे हैं, स्ट्रांग बनते हुए दिख रहे हैं, पॉजिटिव बनते हुए दिख रहे हैं और ब्यूटिफुल तरीके से सिचुएशन को हैंडल करोगे। जो पास में यहाँ पर आपका दिल दुखी हो गया, परेशान हो गया, रेस्टलेस हो जाओगे, वहीं वापस से संभल कर स्ट्रांग हो जाओगे, पॉजिटिव हो जाओगे। देखो साल के मिड में ही मेरे को तनाव दिखा है, यहाँ पर एक और कार्ड में देख लूँ। ओके, सो द डॉटर ऑफ कॉइन्स, फिर से स्ट्रांग एंड बोल्ड होके आप आते हुए दिख रहे हो। और ये साल में ना बहुत कुछ नया सीखोगे, बहुत कुछ एक्सपीरियंसेस आपको अच्छी अच्छी चीज़ें लाइफ में सिखाएंगी आपको, और बोल्ड बनाएंगी और स्ट्रांग बनाएंगी, तो आपके लिए अच्छा माना जाएगा, पॉजिटिव माना जाएगा। सो सिर्फ यहाँ पर अभी तक हमें ये एक कार्ड दिखा है जो इमोशनल स्ट्रेस को इंडिकेट कर रहा है, अननेसेसरी ड्रामा को बता रहा है, पर उसके अलावा साल की शुरुआत के 4-5 महीने और एंड के 3-4 महीने अच्छे दिखाई पड़ रहे हैं। मिड ईयर में तनाव स्ट्रेस दिख रहा है अभी तक के जो कार्ड्स हमें दिखे हैं। अब यहाँ पर जो कार्ड्स आए हैं ये कहीं ना कहीं इंडिकेट कर रहे हैं द 5 of Wands। ओके, सो काफ़ी सिमिलर रही हैं और ये दो कार्ड्स, क्योंकि दोनों कार्ड्स कहीं ना कहीं आर्ग्यूमेंट, फाइट्स एंड इश्यूज को इंडिकेट कर रहे हैं।
सो ऑफ कोर्स 2023 के मिड ईयर में अनवांटेड फैमिली फाइट्स या आपके स्पाउस के साथ या लव पार्टनर के साथ में या कलीग्स के साथ में कोई ना कोई आर्ग्यूमेंट का समय उठ सकता है। तो इस टाइम पे जितना आप शांत रहोगे, इजी रहोगे, उतना आपके लिए अच्छा और पॉजिटिव माना जाएगा। आप लोग के लिए हेल्प हो जाएगी और राइट गाइडेंस आप लोग को मिल जाएगी। यहाँ पर द हाई प्रिस्टेस मेडिटेशन इंट्यूशन भी आप लोग का बहुत खूबसूरत रहने वाला है। तो आप लोग अपनी तरफ से नो कोशिश कीजिएगा कि आप मेडिटेशन करें, योगा करें, एक्सरसाइज करें। सो आप लोग को उसमें पॉजिटिविटी देखने मिलेगी, अच्छा माना जाएगा आप लोगों के लिए। तो ये कुछ खास मैसेजेस हैं आप लोग को, जो आपको अगर आप इसे फॉलो करते हो, जो स्पेशल एडवाइसेज आई कि नो जो प्रॉब्लम का टाइम है तो भैया थोड़ा धैर्य रख लेना, शांति रख लीजिएगा, अवॉइड कीजिएगा, तो वो ईजी से वक्त गुजर जाएगा सेल्फ हीलिंग से। अगर आप कहीं ना कहीं मेडिटेशन, योगा, वॉकिंग, एक्सरसाइज करते रहोगे तो भी अच्छा ना। आपको अगर मिड ईयर में लगेगा ना आपको किसी के ऊपर शक हो रहा है, नेगेटिविटी फील हो रही है, सस्पिशियस फील हो रहा है, कोई आपकी एनर्जी को बेवजह परेशान कर रहा है, तंग कर रहा है, उनसे दूर रहिएगा, डिस्टेंस बना के रखना, अपने आप को प्रोटेक्टेड रखना ज़रूर। ये नहीं कि हम क्योंकि मिड ईयर में देखो ऐसा हो सकता है कि लोग आपके सामने कुछ और पीठ पीछे कुछ और, इसीलिए एडवाइस है कि आंखें खोल कर भरोसा करना। अंधाधुंध भरोसा रिकमेंडेड नहीं है, ना ही कोई पेपर पे साइन करना है। आई नो ये ईयर में इन सारी बातों का थोड़ा ध्यान देना है आप लोगों ने। आगे जो आप लोग के लिए कार्ड्स आए हैं यहाँ पर, सबसे पहला कार्ड है ब्लॉसमिंग अबंडेंस। सो यस ऑफ कोर्स मनी के हिसाब से मुझे आप लोग के लिए प्रॉस्पेरिटी, अबंडेंस, न्यू थिंग्स, न्यू एनर्जी ज़रूर आप लोग के लिए दिख रही है। करियर सक्सेस आता हुआ दिख रहा है। सो ऑल ओवर पॉजिटिव ईयर तो है पैसे के मामले में, अच्छी एनर्जीज दिख रही है। ओके, आई एम रियली हैप्पी विद दिस कार्ड्स कॉम्बिनेशन। तो ये और ये कार्ड काफ़ी सेम वाइब में चल रहे हैं, ये दो कार्ड्स एक साथ कॉम्बिनेशन में आए हैं। ये तीनों कार्ड्स भी अपने आप में एक सिमिलर एनर्जीज में चल रहे हैं, ये जो तीनों हैं। तो मेजॉरिटी ये भी थोड़ा सा इंट्यूशन और उन सारी चीज़ों की कहानी बता रहा है, दैट यू नो कि यू नीड टू बी अवेयर विद नेगेटिव पीपल, टॉक्सिक रिलेशनशिप्स। पैसे के हिसाब से अच्छा है, नई चीज़ें सीखोगे, कॉन्फिडेंट बनोगे, सेल्फ ग्रोथ आपकी बड़ी खूबसूरती से होने वाली है। सो ये अच्छा है। देखो ऑफ कोर्स अब डिसीजन लेने में तो तकलीफ आप लोग को होगी, कन्फ्यूजन रहने वाली है, ये भी अगेन मिड ईयर या अगस्त के महीने में होगा। ईयर के मिड में या अगस्त महीने के आसपास भैया कन्फ्यूज़ हो जाओगे, नहीं समझ आएगा क्या करें हम, क्या हम सही जा रहे हैं, क्या हम गलत जा रहे हैं। तो इसमें किसी की एडवाइस लीजिएगा या अपने इंट्यूशन, मेडिटेशन, योगा, शांति से फैसला लोगे सही मिल जाएगा। लेकिन ये थोड़ा सा इनडिसीजन, कन्फ्यूजन का पीरियड आएगा जहाँ पर आप नहीं समझ पाओगे कि नो फॉर एग्जांपल मैं कौन सी कंपनी चूज़ करूँ, मैं बिज़नेस करूँ, जॉब करूँ। थोड़ा सा लोड डल आपको फील होगा, आपको लगेगा भाई लाइफ में क्या हो रहा है, समझ नहीं आ रहा है, व्हाई इज़ दिस हैपनिंग। ओके, एंड या रिलेशनशिप में कन्फ्यूज हो रहे हो कि भाई क्या करें, क्या हो रहा है लाइफ में, नहीं समझ आ रहा है। तो ये थोड़ी वाइब रहेगी। आपके फ्रेंड्स, कम्युनिटी, फैमिली, रिलेशनशिप्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे आपकी ग्रोथ लाने में। तो दोस्ती यारी बड़ी सोच समझ के चूज़ करना, या जो ऑलरेडी आपके दोस्त हैं उनसे अच्छे से निभाना भी। कोई प्रॉब्लम अगर हो भी जाती है तो लेट गो कर देना, माफ़ कर देना, बिकॉज आपका फ्रेंड्स के साथ में गेट टुगेदर भी हो सकता है 2023 में। एंड ऑल्सो दोस्तों की सपोर्ट भी आती हुई दिख रही है ना, आपके स्किल्स को पहचाना भी जाएगा, तो प्रमोशन के भी बड़े अच्छे योग हैं। बट ऑल ओवर ये एक अच्छी एनर्जी दिख रही है। और आप मानोगे नहीं, एक और आ गया आप लोग के लिए कार्ड आ गया है, द जॉय ऑफ फ्रेंडशिप। ओके, सो आई थिंक यहाँ पे लिखा भी हुआ है द फ्रेंडशिप इज़ द बिगेस्ट गिफ्ट, नर्चर योर फ्रेंड्स एंड फ्रेंडशिप। ओके, सो दिस इज़ अ ब्यूटिफुल कॉम्बिनेशन। ओके, पाइल नंबर टू, आपके जो बचपन के दोस्त हैं उनसे कनेक्शन बनाए रखिए, एंड दोस्ती यारी रिलेशनशिप, चाहे वो आपके सिबलिंग्स हो, जो भी हो, यू नो, खुशी ढूंढिए उनके साथ में, वक्त बिताएंगे, ज़िंदगी के बड़े बड़े स्ट्रेस पे इन दोस्तों से बात करके वो छोटे लगने लगते हैं। तो जो भी आपके ख़ास हैं, अपने हैं, दोस्त हैं, ज़रूर उनकी कद्र और वैल्यू करें, वो आपके जीवन में काफ़ी 2023 में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। चाहे किसी रूप में मदद कर सकते हैं, हेल्प कर सकते हैं, आपका समय उनके साथ बिताया जा सकता है। तो कुछ तो स्पेशल मैसेज इतना अगर फ्रेंडशिप का हाईलाइट हुआ है, सो आई बिलीव 100% उसका कुछ ना कुछ आपको रिजल्ट देखने मिलेगा। यहाँ पर आप लोग के लिए एक और कार्ड आया है प्रोटेक्शन। कहीं ना कहीं हैव फेथ, वेट एंड रिजॉइस फॉर यू आर डायरेक्टली अंडर द लविंग केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ द सुप्रीम लॉर्ड हिमसेल्फ। ब्यूटिफुल कार्ड, ये कार्ड आपसे कह रहा है कि डोंट वरी, आप डिवाइनली प्रोटेक्टेड हो, आपकी जर्नी जो भी लाइफ की है भगवान को सब पता है, आपको सही रास्ते पर भी लेकर जाएंगे और हेल्प भी आपकी करेंगे। बीच में जो आपके जो भी लाइफ लेसन आएंगे 2023 में
उसको जितना आप विश्वास और खूबसूरती से हैंडल करोगे उतनी आपको राइट गाइडेंस मिलेगी, आपके लिए स्पेशल मैसेजेस आ रहे हैं। एंड ऑल्सो न्यू चीज़ें मेरे को ना आप लोग के लिए बहुत दिख रही है, न्यू कुछ सीखोगे, ट्रैवल करोगे, न्यू एक्सपीरियंसेस लोगे। एक नॉर्मल रेगुलर रूटीन वाला साल आपका ये नहीं होगा, कुछ ना कुछ न्यू पॉजिटिव हैप्पी चेंजेस आपके लिए 2023 में ज़रूर आएंगे। जैसे होता है ना, हम साल भर हम जॉब ही करते रहे या बिजनेस ही करते रहे, सेम रूटीन में रहे, भाई कुछ नया किया नहीं, कुछ देखा नहीं, नया सीखा नहीं, बस वही रूटीन में चलते रहे। नहीं, 2023 आपके लिए बहुत न्यू एनर्जीज़ लेके आएगा, न्यू ब्लेसिंग्स लेके आएगा। कुछ नया सीखोगे, नया करोगे, नई जगहों पे घूमोगे, नो लॉट ऑफ न्यू एक्सपीरियंसेस आप देखोगे। सो काफ़ी अच्छी एनर्जीज़ हैं। देखो, कुछ ही हमें एक आज ये तीन आए थे जो थोड़े से नो इमोशनल स्ट्रेस एंड ड्रामा को इंडिकेट कर रहे थे। बाकी सारे कार्ड्स आपको एडवाइस भी दे रहे हैं कि फ्रेंडशिप सपोर्ट रखिएगा, एजुकेशन, लर्निंग, कॉन्फिडेंस सपोर्ट रखिएगा। मनी वाइज एक अच्छा साल आप लोग को देखने मिलेगा 2023 में। सो ऑल ओवर ये ब्लेसिंग्स एंड एनर्जीज़ आप लोग के लिए आए हैं। आई होप इससे आप कनेक्ट एंड रेजोनेट हो पाए हो। इफ सो तो ज़रूर नीचे लिखिएगा, आई क्लेम दिस एनर्जीज, ब्लेसिंग्स, पॉजिटिविटी, जो भी आपका मन हो लिखिएगा ज़रूर। विशिंग यू ऑल द गुड लक, हैप्पी न्यू ईयर, थैंक यू सो मच।